नए साल का आगाज दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हो चुका है। इस वक्त आपको लिए चलते हैं ऑस्ट्रेलिया, जहां पर नए साल के लिए इस वक्त काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं 3, 2 और 1 इसी तरीके से करके अभी यहां पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा शुरू हो चुका है। आप मनाजिर दुनिया न्यूज की स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2017 शुरू हो चुका है ऑस्ट्रेलिया में और इसके इस्तकबाल के लिए भरपूर तैयारियां की गई हैं। ये तैयारियां नजर आ रही हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर। शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। इससे पहले न्यूजीलैंड में साल 2017 का आगाज हुआ और अब ऑस्ट्रेलिया के मनाजिर आप देख रहे हैं, जहाँ शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है। आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा है। ऑस्ट्रेलिया के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। ये नज़ारे आपने देखे सिडनी हार्बर ब्रिज के, और ये नज़ारे देखने के लिए लोग 12-12 घंटे से लाइनों में लगे रहे, इंतज़ार करते रहे कि किसी तरीके से कोई लोकेशन ऐसी सिक्योर कर लें जहां से वो इन नज़ारों को देख सकें। और कहा जाता है कि तकरीबन 15 लाख अफराद इन नज़ारों को देखने के लिए सिडनी हार्बर ब्रिज के आसपास जमा हुए। बिल्कुल अशफाक, हम तो ये नज़ारे देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, लेकिन लाइव इस वक्त देख रही हैं ज़ैनब अब्बास, जो वहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं। ज़ैनब, बताइएगा, आपने बॉक्सिंग डे भी देखा और अब न्यू ईयर नाइट भी आप वहाँ पर देख रही हैं, बहुत लकी रही हैं आप, कैसे मनाजर हैं वहाँ पे? जी बिल्कुल समीना, जबरदस्त यहाँ पे एटमोसफेयर है, जिसे कहते हैं बिल्कुल सामने मेरे सिडनी हार्बर ब्रिज है, जिसके ऊपर फायर वर्क का मुजाहरा इस वक्त नजर आ रहा है। हर किस्म के कलर जो है, ग्रीन और रेड और हर किस्म के कलर जो है नजर आ रहे हैं, और 15 लाख लोग जो है डेफिनेटली आई वुड से कि यहाँ पे इस वक्त मौजूद है, डिफरेंट जगहों से ऑल अराउंड द वर्ल्ड से सिर्फ ये देखने आए हैं। और सिर्फ ब्रिज से नहीं बल्कि हर डिफरेंट एरियाज में जो है इस वक्त फायर वर्क नजर आ रही है। लोग यहाँ पे सुबह से जो है कैंप करके बैठे थे, बिकॉज जगह मिलनी यहाँ बहुत मुश्किल है, लेकिन इस वक्त मेरा जरब लोग यहाँ पर सुबह से कैंप करके बैठे हुए हैं। काफी 18 दिसंबर से तो इसको प्लान किया जा रहा था, तैयारियां की जा रही थी, फायरवर्क्स के लिए भी कई हजार टन जो है वो हम देख रहे हैं कि फायरवर्क्स यूज किए गए हैं, आतिशबाजी का सामान वहाँ पर पहुँचाया गया। आपको जगह कैसे मिल गई? जी मैं एक्चुअली यहाँ पे एक लोकल ऑस्ट्रेलियन है, जिन्होंने एक स्पेशल जगह पे हमें लेके गए, जहाँ से व्यू जो है कुछ नजर आ रहा था, जिसकी वजह से जगह मुझे मिल गई, अदरवाइज मुझे भी नहीं मिलनी थी। वो तो ये है कि यहाँ पे रहने वाले जो है उनको पता होता है कि कौन से कोने में जो है एटमोसफेयर जो है जबरदस्त नजर आता है, और
जिसे कहते हैं कि बेहतरीन फायरवर्क्स जो कि शायद ही कभी दुनिया में हमने कभी भी देखे हो। जैसे कि आपको पता है सिडनी न्यूजीलैंड में सबसे पहले होता है न्यू ईयर, और यहाँ पे इस वक्त कितने लोग हैं और खुशी का समय है और बड़े भरपूर अंदाज में जो है। अच्छा ज़ैनब, ये साथ ही बताइएगा कि आप बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए गई थी, खुसूसी तौर पर टेस्ट सीरीज भी आप कवर कर रही हैं, तो कौमी टीम मैच तो हार चुकी है लेकिन हमारे खिलाड़ी कहाँ पर है न्यू ईयर मनाने के लिए? खिलाड़ी जो है वो भी इधर ही, उनके बिल्कुल ऑपोजिट जो है इंटर कॉन्टिनेंटल होटल है और वहाँ पे वो जो है अपना न्यू ईयर मना रहे हैं। और यही है कि सारे जो है कप्तान है, कप्तान के कमरे में सब इकट्ठे हुए और वहाँ से उनका जो व्यू था वो बड़ा जबरदस्त था, तो वहाँ पे सबने अपना जो है न्यू ईयर बनाया। और जब मैं चल रही थी तो यूनुस खान और उनकी फैमिली भी नजर आई, सारे उसी एरिया में जो है फैल रहे हैं, बिल्कुल साथ ही है सिडनी हार्बर ब्रिज, तो सब जो है मिलकर बेसिकली फैमिलीज जो है अपनी फैमिलीज के साथ न्यू ईयर बना रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैनब अब्बास, हमें अपडेट कर रही थी कि ऑस्ट्रेलिया के शहरी किस तरह भरपूर अंदाज में 2017 को वेलकम कर रहे हैं।